हे दोस्तों, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी रोजाना छोटी बड़ी सात खबरें लेकर अपनी ऑडियंस के सामने हाजिर होता है। तो चलिए जल्दी से आज की खबरें आपको बताते हैं। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, खतरों के खिलाड़ी में इवेक्ट होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनी निकिता मौली। जी, निकिता मौली खतरों के खिलाड़ी 11 में इवेक्ट होने वाली पहली कंटेस्टेंट रही। इसके बाद उन्होंने पोस्ट के जरिए अपने फैंस से माफी भी मांगी है। निकी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी गलती को स्वीकारा और एक लंबा पोस्ट शेयर कर फैंस से माफी मांगी। उन्होंने शो के दौरान एक वीडियो शेयर किया है और लिखा, जितना मुश्किल उस टास्क को परफॉर्म करना था, उतना ही मुश्किल इस बात को मेरे लिए लिखना है। मुझे पता है कि मेरे सभी फैंस के लिए ये एक शॉक की तरह था और मैं भी इससे बहुत मायूस हुई थी। मैं सभी को इसके लिए सॉरी कहना चाहूंगी और जिस तरह से रोहित सर ने मुझे मोटिवेट किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, क्या शादी के बाद दिशा परमार ने बदल दिया अपना नाम। यह सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिशा और राहुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। वीडियो शादी के बाद का ही लग रहा है, जहां पर राहुल दिशा को किस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों रेड नाइट सूट में नजर आए हैं और राहुल अपनी नई नवेली वाइफ को किस भी कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के नाइट सूट में पॉकेट भी है। राहुल की पॉकेट के ऊपर RK भी लिखा है और दिशा की पॉकेट पर DRV लिखा है। अब कई सारे फैंस इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि DRV का फुल फॉर्म दिशा राहुल वैद्य है और उन्होंने अब अपना नाम बदल लिया है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज, 2022 के बाद हमेशा के लिए होस्टिंग छोड़ देंगे आदित्य नारायण। जी, आदित्य नारायण को लगता है कि अब वक्त आ गया है जब उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ईटाइम्स के साथ बातचीत में आदित्य ने कहा, टीवी पर बतौर होस्ट 2022 मेरा आखिरी साल होगा, मैं उसके बाद होस्टिंग नहीं करूंगा। अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। मेरे कुछ पहले के कमिटमेंट्स हैं जो आने वाले महीने में पूरे हो जाएंगे। मेरे इस इंडस्ट्री में अच्छे संबंध है, तो अगर मैं अभी बीच में ही छोड़ दूंगा तो ऐसा होगा मानो मैंने किसी जहाज को बीच मझधार में ही छोड़ दिया हो। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज, एक्टर साहिल आनंद ने छोड़ा सोशल मीडिया। जी हाँ, साहिल आनंद ने अपने मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया छोड़ने के कारण के बारे में बात की है। सोमवार को उन्होंने अपने फैंस के साथ एक लंबा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, सभी को नमस्कार, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। बस मैं चाहता था कि मेरे सभी दोस्त अपना ख्याल रखें, क्योंकि मैंने कुछ समय के लिए अलग रहने का फैसला किया है। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं और पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफी कठिन रहे हैं। अभी मुझे स्पेस चाहिए, मैं खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी अपना जुनून आपका सबसे बुरा सपना बन सकता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी जिन चीजों के बारे में हम इमोशनल होते हैं, वो हमें बहुत प्रभावित कर देती है। मैंने नॉर्मल महसूस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीजें सिर्फ खराब होती चली गईं। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, सुपर डांसर के अपकमिंग एपिसोड में ये एक्ट्रेस करेंगी जज शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस। खबरें सामने आई हैं कि शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर 4 के अगले एपिसोड को शूट नहीं कर पाएंगी और ऑडियंस को अगले एपिसोड में जानी मानी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना बतौर गेस्ट जज के तौर पर नजर आएंगी। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज, टीवी एक्ट्रेस अर्चना कौर के नए प्रोजेक्ट पर आई बड़ी खबर। यह खबरें सामने आई है कि अर्चना कौर जल्द ही ZTV के नए शो में मेन लीड में नजर आएंगी। हालांकि इस शो का टाइटल क्या है, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन खबरें हैं कि इस शो में अर्चना के अपोजिट एक्टर हितेश भारद्वाज नजर आएंगे। टीवी का तड़का, सातवीं टॉप न्यूज, फ्राइंग पैन से फिर हुए विशाल आदित्य सिंह की पिटाई, गुस्से से तिलमिलाई मधुरी माँ। जी, खतरों के खिलाड़ी की शुरुआत के साथ ही मेकर्स ने एक विवाद खड़ा कर दिया। ये विवाद हुआ है शो में दिखाए गए एक सीन की वजह से, जहां महक चहल विशाल आदित्य सिंह को फ्रैंक पैन से मारती नजर आ रही हैं। दरअसल ये घटना 2 साल पुरानी है और उसे ही रिक्रिएट किया गया है। बिग बॉस 13 में विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली के बीच एक जोरदार झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मधुरिमा तुली ने विशाल को फ्रैंक पैन से ही पीटा था। बिग बॉस में इस लड़ाई के सीन को अब खतरों के खिलाड़ी में दोहराया गया, जिसे देखने के बाद मधुरिमा काफी भड़क गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टा पेज एक वीडियो को शेयर कर कहा है कि चैनल ऐसा कर भावनाओं से खेल रहा है।